बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष महोदय, हमारे पठान साहब जोधपुर से, मैं क्षमा पठान, पूर्व मंत्री राजस्थान। मेरा ये कहना है कि जो अल्पसंख्यक पैरा टीचर है वो परेशान है। हमारे मेले में भी बहुत से अल्पसंख्यक टीचर है, उनको टाइम से तनख्वाह नहीं दे रहे, और पैरा टीचर के साथ घोषणा की हमारी राज्य सरकार के अशोक जी गहलोत ने, और उस घोषणा करके उनसे वादा करके उनसे वादा खिलाफी की है। ये नियम के और कानून के तहत सही बात नहीं है। और एक एमएलए गंगा देवी और शांति जी धारीवाल, हमारे अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं के लिए जो जमीन जेडीओ से आवंटित की थी, उस जमीन को निरस्त कर दिया, 12 करोड़ लेके चुपचाप होके बैठ गए। ये हमारे मुस्लिम धर्म के विरोधी हैं, ये गंगा देवी जी और शांति जी धारीवाल। मैं छोटी सी बात कह के अपने बोलने को विराम देती हूँ। जय भारत, जय। जो आज अल्पसंख्यक मोर्चे वाला ने जो ज्ञापन दिया है, उसका मेन सब्जेक्ट है नकारा अशोक गहलोत की सरकार। राजस्थान की सरकार जो है अभी बिल्कुल अपने वादा खिलाफ काम कर रही है, और उसमें विशेष तौर से हमारे मुस्लिम भाइयों के खिलाफ तो बिल्कुल तह दिल से काम कर रही है। और उस तह दिल में उन्होंने अभी फर्स्ट प्रेस उदाहरण है, जयपुर के अंदर उन्होंने जो छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने के लिए एक ज़मीन दी थी, और उन्होंने ज़मीन के पैसे भी अलॉट कर दिए, और शांति धारीवाल ने मिलकर के उस जमीन को बनाने के लिए जैसे ही चालू किया तो उन्होंने कैंसिल कर दी। दूसरी बात, पैरा टीचर जितने भी वर्षों से लगे हुए हैं, उनको कहा था इन्होंने कि हम परमानेंट कर देंगे। अरे परमानेंट तो बहुत दूर की बात है, उनका पेमेंट आज तक नहीं आया। तीसरी बात, एक छात्रावास जो पैरा टीचर मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी स्कॉलरशिप है पिछले 3 साल से रुक गई है। उनको पहले हर सालों साल मिलती थी, और 3 साल से उन्होंने स्कॉलरशिप की पूरी बंद कर दी। इसीलिए हम ये उनके चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमारी आवाज़ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो इससे आगे हम और विरोध और उग्र रूप से हम आंदोलन करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने जोधपुर शहर में जनसंवाद किया। शास्त्री नगर स्थित स्टील भवन में आयोजित कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध जनों को जानकारी दी। सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए उन्होंने जनसंवाद किया तथा आमजन से अपील की है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आगे आए तथा रिश्वत किसी को ना दे। अगर कोई रिश्वत मांगता है तो तुरंत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध जताने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन अध्यक्ष संदीप देवात के नेतृत्व में रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा विरोध जताया जा रहा है। विरोध के चलते जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन में आज 2 घंटे के लिए जोधपुर में कार्यों का बहिष्कार किया है। वही कार्य बहिष्कार के चलते मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक इंतजाम भी इस दौरान किए गए हैं। अगर जल्द ही मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो यह बहिष्कार जारी रहेगा, साथ ही आंदोलन भी बढ़ता जाएगा।